पीपी 160 लाहौर से नून लीग के मलिक असद खोखर हैं जो कामयाब हुए हैं और आजम खान न्याजी 18,253 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मलिक असद खोखर 24,434 वोट लेकर कामयाब हुए हैं जबकि आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 18,253 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और फॉर्म 47 भी इस वक्त आप हम इस टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि इसी हल्के का है। आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी जो कि दूसरे नंबर पर हैं और नून लीग मलिक असद खोखर 24,000 वोट लेकर यहां पर कामयाब करार पाए हैं और ये फॉर्म 47 है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर साथ ही साथ देख रहे हैं। पीपी 160 लाहौर नून लीग के मलिक असद खोखर पहले नंबर पर जबकि आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 18,253 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये भी अहम हलका था जो कि नून लीग के मलिक असद खोखर ने जीत अपने नाम की है, सीट पक्की कर ली है। किसका पड़ा होगा भारी और कौन होगा नाकाम ये तो वक्त ही बताएगा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और लोगों की नज़रें भी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 18,000 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जबकि पीपी 160 लाहौर नून लीग के असद खोखर यहां पर पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो आजाद उम्मीदवार हैं वो सेकंड नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल और पाकिजा बहुत सारे हलकों के बारे में तो वक्त ने बता दिया है लेकिन कुछ हलके अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में वक्त का बताना अभी बाकी है।